कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई ये सब चीज की चिंता है नहीं। तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव में, इसलिए 5 राज्य का चुनौवा होगा उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आज करूँ कभी कोई चर्चा नहीं हो रही, और इनसे जो आज हैं शासन में उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को ये लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए और इनसे मुक्ति पाना है, तो इसलिए सब एकजुट होकर के लड़िए। कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, उन्हें गठबंधन की नीति और रणनीति से कोई मतलब नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो जाएंगे तो शायद कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठकर 24 की रणनीति तय करेगी। नीतीश कुमार का यह भाषण कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? दूसरा सवाल यह भी है कि क्या इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि यह गठबंधन और मजबूत हो, जैसी कि शुरुआती दौर में देखने को मिली थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली में शामिल हुए, भाकपा माले के मन से क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बयानों को आप सुनिए। और जो देश के इतिहास को बदल रहे हैं उसको बचाइए, और इनसे मुक्ति पाना है तो इसलिए सब एकजुट होकर के लड़िए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई, और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDIA इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज़्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई ये सब चीज़ की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव में, इसलिए 5 राज्य का चुनौवा होगा उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आज करूँ कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए अब जो कुछ भी होता रहे, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को ये लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए, और इनसे जो आज हैं शासन में उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा, उसके बाद ही फिर बैठ करके जो कुछ भी होगा। लेकिन आप लोगों ने, आप समझ लीजिए कि आज बैठक बुलाए हैं, आप भाजपा वाला तो कर ही न रहे हैं, हाँ हिंदू मुस्लिम में भी झंझट करने की कोशिश कर रहा है। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, हिंदू मुस्लिम में कोई झंझट। तो आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम लोगों ने जिस कांग्रेस पार्टी के लिए विपक्ष को एकजुट किया, आज वो कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त है, उन्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, इंडिया गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा है। शायद जब उन राज्यों के चुनाव खत्म हो जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी तमाम दल के नेताओं के साथ बैठक करे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इंडिया गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार की भूमिका और भविष्य को लेकर कई बड़े सवाल थे। नीतीश कुमार का जो तेवर दिखा वो इस ओर इशारा भी कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लाख दावे किए जाते हो लेकिन तस्वीरें क्या है, ये बयानबाजी, नीतीश कुमार का ये भाषण सब कुछ बयां कर रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। Did you